कुछ सवरा तेरे नक्श को मृत्यु देगा। झे मारने में तो मैं एक क्षण नहीं लगाऊंगा। या तत्पश्चात नारायण अवतार वरा और ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी हिरण्याक्ष में अनेकों वर्षों तक युद्ध चला। पर जो बल की शक्ति में अंधे हो जाते हैं उनका वर ही श्राप बन जाता है। अंततः हिरण्याक्ष वराह रूपी नारायण के हाथों मृत को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात वरा अवतार नारायण ने भूदेवी रूप लक्ष्मी से सारे ऋषियों और ब्राह्मणों के समक्ष प्रेम विवाह किया। इस प्रकार लक्ष्मी नारायण अनंत के दो प्रेमी विवाह के इस पवित्र संबंध में बंध गए। कितना अच्छा लगा सुनकर कि दो प्रेमी विवाह के पवित्र संबंध से भी एक हुए। सच में अविस्मरणीय क्षण था। मैं कभी नहीं भूल सकता उसे। तुम कभी भूल नहीं सकते। अर्थात इस कहानी में ही एक क्षण में कभी भूल नहीं सकता। इतना सुंदर क्षण जो है। किंतु कृष्ण, मुझे ये समझ में नहीं आया कि हिरण्याक्ष ने सभी प्राणियों का नाम लिया इतने दिन लगाकर, किंतु वो वरा का नाम लेना कैसे भूल गया। ये नहीं सोचा कि नारायण वरा अवतार लेकर उसका अंत कर सकते। ये कैसे संभव हुआ। जब व्यक्ति का अंत निकट आता है राधा, नियति सर्वप्रथम उसकी बुद्धि हर लेती है। अब ये विवेकहीन हिरण्याक्ष अपनी समस्त शक्ति लगा रहा था इस प्रकृति का विनाश करने में। इस असुर बुद्धि व्यक्ति ने कभी सोचा ही नहीं कि वराह जैसा एक साधारण सा प्राणी उसके प्राण हर सकता है। क्यों? क्योंकि वो सदैव वराह को तुच्छ समझता रहा।
उसने कभी वराह की सुंदरता देखी ही नहीं। यदि दृष्टिकोण बदल के देखो तो वराह भी तो सुंदर ही है, वो भी शक्तिशाली है। देखा जाए तो इस संसार में हर एक जीव, इस प्रकृति की हर एक रचना सुंदर है। यदि शरीर के नहीं मन की दृष्टि से देखोगे तो यही इस कहानी का सार भी है। प्रेम का तीसरा वचन, सदैव प्रेमी के मन की शुद्धता देखो, उसके मन की सुंदरता, उसके मन की पवित्रता देखो, उसी को महत्व दो। ये जो शरीर की सुंदरता है ये समय के साथ कम होती जाएगी, किंतु मन, मन की सुंदरता अनंत है। इसलिए सदैव व्यक्ति के मन से प्रेम करो, तन से कभी नहीं। पाने को ही प्रेम करो, जग की है। प्रेम का तीसरा वचन हुआ साकार, हुआ एक और अध्याय समाप्त। कैसे अंत होगा उस कृष्ण का, कैसे? कभी शयन के कारण मेरी योजना विफल जाती है तो कभी इसकी मां चटिला के कारण। साम दाम दंत भगत सब कुछ अपना को देख लिया, किंतु मैं उस कृष्ण का अंत नहीं कर पा रहा हूं। ऋषि दुर्वासा और अष्टवक्र जैसे महान ऋषि तो क्या, भयानक से भयानक असुरों ने भी हर बार केवल मुझे निराशा ही दी है। तो अब शेष है कृष्ण के अपने, वो अपने जिनकी सुरक्षा के लिए वो कृष्ण कोई भी सीमा लांग सकता है। महाराज, कृष्ण के अपने उसकी शक्ति भी है और दुर्बलता भी, तो क्यों ना हम उससे उन्हें को छीन ले। मूर्खो, तुम दोनों मां पुत्र, तुम्हारी सोच भी तुम्हारी व्यक्तित्व के भांति छोटी ही है। इस बार हम उस कृष्ण से उसके अपनों को नहीं छीनेंगे, बल्कि कुछ ऐसा करेंगे कि उस कृष्ण के अपने ही उस कृष्ण के प्राण छीनने को आतुर हो जाएंगे। क्या करेगा वो कृष्ण जब उसके अपने ही उस पर आक्रमण करेंगे? वह मरेगा या अपनों को मारेगा? किंतु ये संभव कैसे होगा महाराज? मैं महाबली कंस इस असंभव को संभव करूंगा। उस कृष्ण के प्रत्येक प्रियजन और उसकी राधा को मैं उसके विरुद्ध कर दूंगा। वो कृष्ण राधा को नहीं मारेगा, ना ही अपने किसी प्रियजन को। तब स्वयं उसे मरना ही होगा। मरना ही होगा उस कृष्ण को। तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो, क्योंकि अब यहां एक महान
असुर्य शक्ति प्रकट होने वाली है।